अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूँ हाफिज़ काजी और इस वक्त मैं आया हूँ अलाइन, और यहाँ पे अलाइन पैलेस म्यूज़ियम है। आज मैं इसे विज़िट करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। और ये बहुत फेमस है अलाइन में, जो अबू धाबी के बादशाह थे और यूएई के फर्स्ट प्रेसिडेंट। उनका बचपन इस महल में गुजरा है। कुछ लोगों के बकौल वो यहाँ पैदा हुए थे और कुछ लोगों के बकौल वो अबू धाबी कसर अल हुसन पैलेस में पैदा हुए, और अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद 1927 में वो अलैन मूव हो गए। तो इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं और पैलेस विज़िट करते हैं। तो पैलेस की कोई एंट्री फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री है आम पब्लिक के लिए, कोई भी जाके विज़िट कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पैलेस के अंदर आ गए। ये तस्वीर लगी है पुरानी शेख जायद बिन सुल्तान की, और ज़बरदस्त जगह। यहाँ पे इंफॉर्मेशन पता नहीं कहाँ पे लिखी है कि थोड़ा पढ़ के मैं आपको बता दूँ। और हमारे साथ बहुत फेमस फोटोग्राफर जो हैं फात काजी हैं, तस्वीरें ले रहे हैं एक एक चीज़ की। और चेक करते हैं आगे। काफ़ी पुरसकून माहौल है अंदर, और चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं और हल्की हल्की हवा चल रही है। मौसम बहुत प्यारा है और इन्जॉयमेंट अच्छा हो रहा है। क्या ख्याल है फात भाई? फात भाई मज़ा आ रहा है आपको? बहुत अच्छा है। फात भाई फर्स्ट टाइम आए हैं और मैं जो हूँ फर्स्ट टाइम ही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ तो इसीलिए वो भी फर्स्ट टाइम ही हुआ। के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये पुराने ज़माने में इस तरह के बेड हुआ करते थे, ज़बरदस्त। और यहाँ पे जो है तलवार भी है, लटक रही है। अब दूसरे कमरे में जाते हैं, दूसरा कमरा भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीआईपी रूम है। मेहमानों वाली जगह तो विज़िट हो गई है, अब जो है ये जगह विज़िट करते हैं। प्राइवेट मजलिस, ऊपर की तरफ चलते हैं। कोई भी नहीं है यहाँ पे, पुरसकून माहौल है, आराम से अपनी मर्ज़ी से घूमें फिरें, रश नहीं है। अच्छी अच्छी तस्वीरें ले लें इंस्टाग्राम के लिए। और ये मजलिस देखें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत है। ये 50-60-70 साल पुराने जो हैं इस तरह के हुआ करते थी मजलिस वगैरह जो है, यहाँ पे बैठ के जो है गपशप, खाना पीना, इंजॉयमेंट कह सकते हैं। छत के ऊपर से माहौल चेक करें। अब ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, यहाँ पे भी जो है मजलिस है, ज़बरदस्त।
वहाँ ऊपर जो थे वो सोफ़े वगैरह रखे थे, यहाँ पे जो है ज़मीन पे बैठते हैं, और काफ़ी खूबसूरत एसी भी चल रहा है यहाँ, इसके अंदर एसी लगाया हुआ है और ज़बरदस्त माहौल है। दरअसल तो विज़िट हो गया, अब उस तरफ एक कुआं है, अब उसे देखते हैं, वो भी काफ़ी फेमस है और दरवाज़े बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं, पुराने ज़माने के स्टाइल से है और अभी तक बरकरार रखा हुआ है इन्हें। उस तरफ कॉफ़ी रूम है और ये लेडीज़ जो वगैरह काम करती थी ये उनका रूम है, एकदम बिल्कुल सेम है, और ये घड़ा भी पड़ा हुआ है। इसको अंदर से देखते हैं, सारे रूम तकरीबन एक जैसे हैं और इसी तरह ये मिट्टी है और बीच में कोयले और चैनक वगैरह, इसमें कॉफ़ी वगैरह या गहवा वगैरह कह सकते हैं ये चीज़ें बनाया करते थे, और उस तरफ जो मजलिस है वहाँ पर सर्व करते थे, तो अच्छी जगह ज़बरदस्त। और फहद भाई बड़े एंगल से तस्वीरें ले रहे हैं, एंगल चेक करें फहद भाई का, ज़बरदस्त फहद भाई, फहद भाई मुस्कुरा रहे हैं। और ये मखजन आ गया, स्टोर रूम, स्टोर रूम को विज़िट करते हैं। फहद भाई पराठा बनाए जी तवे पे, एक ज़बरदस्त किस्म का, फहद भाई शेफ़ भी हैं और एकदम प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हैं, क्या बात है। चेक करें जी, ये मेरे ख्याल से उस वक्त की लंगरी थी, और ये बनी हुई भी जो खजूर के नीचे वाला जो हिस्सा है उससे है माशाल्लाह, और ये छोटे छोटे चूल्हे, साथ में ये तवा भी है, और ये टेबल चेक करें, किचन की टेबल, क्या कमाल की टेबल है, ज़बरदस्त माशाल्लाह, खजूर से बनी है, खजूरों के तना जो है उससे बनाया हुआ है। और ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, इनसे खजूर के दरख्त पे चढ़ के खजूरें तोड़ा करते थे। ये बड़ा स्पेशल रूम है, इसको अंदर से विज़िट करते हैं, फहद भाई आ जाएं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, उस वक्त कमरे इस तरह के हुआ करते थे, और ये डोली वगैरह जिसमें सामान वगैरह रखा करते थे, ज़बरदस्त। फहद भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि थोड़े साइड पकड़ो, फ़ोटो के एंगल ख़राब कर रहे हो, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये हर कमरे में उसी तरह मौजूद है, कोयला और चैनक वगैरह, इसमें चाय कॉफ़ी गहवा जो भी है आप बनाएं। और उस तरफ किचन भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इस महल का। ये बेसिकली महल था जहाँ पर शेख ज़ायद बिन सुल्तान जो यहाँ के हाकिम थे पहले, वो उनका बचपन यहीं गुजरा था। ये किचन आ गया, अब हम किचन को विज़िट करेंगे फहद भाई। हिब्बाबा जी माशाल्लाह, किचन चेक करें जी, बड़े बड़े देचके, और ओहो ज़बरदस्त, इतने बड़े बड़े और पुराने अभी तक रखे हुए हैं, ख़ास करके ये सबसे बड़ा है, क्या बात है। लाइन में है, और ये जगह आपने विज़िट नहीं की ना तो फिर कुछ विज़िट नहीं किया, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे और जगह भी हैं काफ़ी घूमने के हवाले से, अब देखेंगे इंशाल्लाह, अगर टाइम वगैरह हुआ तो इंशाल्लाह हम और जगह भी विज़िट करेंगे। फहद भाई मज़ा आ रहा है आपको?
बेसिकली ये जो है ये एक झूला है और इस पे बच्चे को लिटा के ऐसे झूला देते थे। वैसे टच करना अलाउड तो नहीं है पर मैंने टच कर लिया है, अगर आप आए तो टच ना कीजिएगा, माय मिस्टेक। और ये एक और कमरे के अंदर एक और कमरा है ज़बरदस्त, ये महल की दूसरी साइड में आया हूँ तो ये जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये किस्म का बाग और टहलने की जगह है, बेसिकली इसमें फाउंटेन वगैरह भी लगाए हैं ज़बरदस्त किस्म के। तो ये किस्म की सैरगाह है महल के अंदर। ये बच्चों के कमरे हैं, ये उनकी अलमारी कपड़े वगैरह रखने के लिए, और ये उनका संदूक। बेड बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे बेड है माशाल्लाह। इस वक्त मैं महल के छत पे हूँ, यहाँ पे बच्चों के कमरे वगैरह आपने देखे हैं। ये महल का छत है, एक छत से दूसरे छत पे जाने के लिए। अब जो मैं जिस जगह आया हूँ मुझे बस इसी जगह का इंतज़ार था। ये एक बेसिकली कमरा है शेख जायद का और उनकी अहलिया का, उनका बेडरूम है पर्सनल। ये आपको मैं दिखाता हूँ, मैं बस यही ढूंढ रहा था, आखिरकार मुझे मिल गया माशाल्लाह। यहाँ पे सिर्फ ये बेडरूम है, शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान रईसुद्दौला रहिमहुल्लाह। तो ये उनका बेडरूम है, ये छत पे, ये सिर्फ एक बेडरूम है और इसके इर्द गिर्द जो है ये वरांडा है, बस ये एक ही रूम है इस तरफ उनका, और यहाँ से लेके वहाँ तक वो एक ही रूम है और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ऊपर से नीचे नज़ारे कर सकते हैं। और अब जो है पब्लिक आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तकरीबन जगह कंप्लीट होगी और ये है सीढ़ियाँ छत पे जाने के लिए। उस वक्त इस तरह की सीढ़ियाँ बनाई हुई थी और ज़बरदस्त। ये जगह तो कंप्लीट होगी, अब दूसरी आगे जगह देखते हैं, कोई और चीज़ें हों तो वो नज़र आ जाएँ तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। फाद भाई आ जाएँ जी, नीचे जाते हैं। अब यहाँ पर सर लग सकता है तो इसलिए जो है ना खुद को बचा के। जो टहलने वाली जगह है यहाँ पे छोटा सा ब्रिज है, और ताकि यहाँ से ऊपर से आप आसानी से गुजर जाएं। ये कमरा आ गया मजलिस बुअल दुआन, और इसका छत चेक करें उसी तरह ज़बरदस्त। और उस वक्त की पुरानी कुर्सियाँ, और ये मटके जिसमें पानी पिया करते थे, इनके ढक्कन भी हैं चेक करें, मिट्टी के हैं। और ये कमरा मजलिस भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ी मजलिस है, यहाँ से स्टार्ट होती है और वो आगे तक है, और यहाँ पे वो चाय का सिस्टम स्टिल है, छत इसका वही पुराना वाला है ज़बरदस्त। और यहाँ पे हर कमरे में तलवार और बंदूकें आपको नज़र आएंगी, पुराने दौर की बंदूकें। तो तकरीबन महल हम लोगों ने घूम लिया है। फाद भाई कैसा लगा आपको महल, एंजॉय किया आपने? फैंटास्टिक। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को
कि वो अलैन आए तो वो विज़िट करें या लाजिम विज़िट करें। तो चलें फिर इंशाल्लाह अब देखते हैं आगे, कुछ अगर बचा है तो वो देखते हैं, अगर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह वीडियो का अख्तिताम करेंगे। ये वर्क रूम आ गया जो लोग यहाँ पे काम करते थे मेल और फीमेल का उस तरफ था, और ये आ गया वुड स्टोर, यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह जो है स्टोर किया करते थे खाना वगैरह पकाने के लिए या सर्दियों के लिए जो भी इस्तेमाल होता था वो यहाँ पे स्टोर किया करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह महल तो तकरीबन कंप्लीट हो गया, तो अगर आप अलैन आए हैं तो यू मस्ट विज़िट दिस प्लेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोगों ने ये पैलेस जो है विज़िट कर लिया है, तो इंशाल्लाह वीडियो का यहीं अख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जगह के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह करें, और अगर आप अलाइन में हैं तो इसे लाजिम विज़िट करें, इसे विज़िट किए बगैर अलाइन से मत जाइएगा, सारे पैसे इसी के हैं और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। बस आएँ और विज़िट करें और वापस जाएं, फ़ोटो शोटो ले लें। क्यों फाद भाई, क्या ख्याल है? बिल्कुल ज़रूर लाजिम आए, लाजिम। चलें जी, ओके जी, मास्क पहने वरना फ़ाइन आ जाएगा, बस सिर्फ वीडियो के लिए उतारा था, वरना मास्क इज़ मस्ट।